दोस्तों, अगर आप YouTube पर कहीं भी शेयर मार्केट के बारे में सुनेंगे तो ज़्यादातर लोग आपको सिर्फ पॉजिटिव बातें ही बताएंगे, और अगर आप फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव से पूछेंगे तो ज़्यादातर आपको सिर्फ नेगेटिव बातें ही बताएंगे। तो ऐसे में हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या नहीं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन्वेस्टिंग की दो ऐसी रियल स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसमें एक स्टोरी पॉजिटिव है तो दूसरी स्टोरी नेगेटिव है। इन दोनों रियल स्टोरीज को एक साथ सुनाने के पीछे मेरा पर्पस है कि आपको इन्वेस्टिंग की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड पता चले, ताकि आप खुद डिसाइड कर पाएं कि आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या फिर नहीं, और अगर करनी चाहिए तो किस तरह से करनी चाहिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट जनरली ऐसी वीडियो कोई बनाता नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग आपको स्टॉक मार्केट की नेगेटिव साइड दिखाएंगे तो आप इन्वेस्ट थोड़ी करेंगे। बट फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो इसके लिए आपको बस दो काम करना है, पहला तो इस वीडियो को लाइक करना है ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड हो, और दूसरा जहाँ जहाँ पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो वहाँ पर शेयर भी ज़रूर करें, तभी सभी को स्टॉक मार्केट की ट्रू साइड पता चल पाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो फर्स्ट स्टोरी है ये मेरी स्टोरी नहीं है, लेकिन इसको सुनाते वक्त मैं ऐसे ही प्रिटेंड करूंगा कि जैसे मेरी कहानी है, ताकि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आए और आपको समझना ईजी हो जाए। बट ध्यान रखिएगा कि ये मेरी स्टोरी नहीं है। तो दोस्तों, ये बात है ईयर 2002 की, जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी और मैं और मेरे चार दोस्त मुंबई में एक 2 BHK फ्लैट में रहते थे। तो एक दिन मैंने देखा कि मेरी जो मेड है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, आप किस बात से परेशान हो? तो उन्होंने कहा कि मेरी एक बेटी है जिसे मैं आपकी तरह पढ़ाना चाहती हूँ, ताकि उसे मेरी तरह घर घर जाकर काम ना करना पड़े। तो मैंने कहा कि ठीक है, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता नहीं है कि मैं किस तरह से पैसे सेव और इन्वेस्ट करूं, ताकि जब मेरी बेटी बड़ी हो जाए तब उसकी हायर एजुकेशन के लिए मेरे पास पैसे हों। तो मैंने उनसे पूछा कि आप महीने का कितना बचा सकती हो, यानी कितना सेव कर सकती हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं महीने के 2000 रुपये बचा सकती हूँ। 2000 रुपये भी उस टाइम पर एक ठीक ठाक अमाउंट था। तो ये सुनकर मैंने कहा कि ठीक है, आप एक हफ्ते का वक्त दो मुझे, उसके बाद मैं सोच के बताऊंगा कि आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकती हो। दोस्तों, उस वक्त मैं इन्वेस्टिंग में नया था, तो मैंने पूरे एक हफ्ते रिसर्च करके उन्हें 2 म्यूचुअल फंड्स बताए जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकती हैं, और मैंने उन्हें कैसे इन्वेस्ट करना है ये सब भी बताया, और उसके बाद मैं अपनी जॉब में बिजी हो गया। अब सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि उन्होंने एक महीने बाद ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट भी कर दिया, और वो रेगुलर इन्वेस्ट करती रही। 2 साल बाद भी मैं उसी फ्लैट में रहता था और वो उस समय भी इन्वेस्ट कर रही थी, बट फिर टाइम के साथ मेरी जॉब भी चेंज हुई और मुझे 2004 में मुंबई छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। तो दिल्ली शिफ्ट होने से पहले मैंने उन्हें 2 एडवाइस दी। पहला, तो किसी भी हाल में जो पैसा तुम इन्वेस्ट कर रही हो उसे किसी और चीज़ के लिए विड्रॉ मत करना, और दूसरा, जब तुम्हारी बेटी की हायर एजुकेशन का टाइम आ जाएगा उससे 3 साल पहले उस पैसे को विड्रॉ करके FD में रख लेना। और इन 2 एडवाइस के साथ मैंने उन्हें अपना फ़ोन नंबर भी दिया और कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कॉल कर सकती हो। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया और मुझे पिछले 15 साल में उनकी कोई भी कॉल नहीं आई, लेकिन 2019 में एक दिन मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। मैंने कॉल रिसीव किया तो अब आप समझ ही गए होंगे कि वो कॉल मेरी उस मेड का था। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बेटी अब इंजीनियर बन गई है और उसकी हायर एजुकेशन के पैसे देने के बाद भी उनके पास अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे बचे हैं। वो हर महीने जो 2000 रुपये इन्वेस्ट करती थी वो बढ़कर 18 लाख रुपये हो गए थे। और ये बताने के बाद उन्होंने मुझे थैंक यू कहा, और उनकी आवाज़ से पता चल रहा था कि वो रो रही थी, पर ये आंसू खुशी के थे। तो इस तरह से एक मेड जो कि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने हर महीने 2000 रुपये इन्वेस्ट करके 18 लाख रुपये बनाए, जिससे वो अपनी बेटी को पढ़ा पाई और अपने सपने पूरे कर पाई। तो इस स्टोरी से आपको समझ आया होगा कि क्यों इन्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, और अगर सही तरीके से इन्वेस्टिंग की जाए तो आप अपनी लाइफ की सारी ज़रूरत और इच्छाएँ इन्वेस्टिंग करके पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ ये पॉजिटिव स्टोरी सुनाऊं तो इससे आपको इन्वेस्टिंग की नेगेटिव साइड पता ही नहीं चलेगी, और इससे आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर मिस्टेक कर सकते हैं। तो अब ये एक दूसरी रियल स्टोरी सुनते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है एक इंजीनियर की जो कि हर महीने 35,000 रुपये कमाता था। इतनी सैलरी के बाद भी उसको अपना लाइफ स्टाइल मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, और वो हर जगह सुनता था कि इसने 100 करोड़ कमा लिए, इसने 50 करोड़ कमा लिए, ये कंपनी यूनिकॉर्न बन गई। तो ये सुनकर उसको लगने लगा कि मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। तो उसने YouTube में बहुत सारी वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिया, और किसी यूट्यूबर की वीडियो को देखकर उसने डिसाइड किया कि वो US स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करेगा, क्योंकि उसे जल्दी अमीर बनना था।
अब क्योंकि वो खुद 35,000 रुपए महीना कमा रहा था तो इससे वो ठीक ठाक पैसे इन्वेस्ट कर सकता था, लेकिन क्योंकि उसे बहुत सारे पैसे बहुत कम टाइम में कमाने थे तो इसलिए उसने क्या किया, उसने अपनी फैमिली को झूठ बोला कि वो एक फ्लैट खरीद रहा है और उनसे 12 लाख रुपए की ज्वेलरी ले ली। इसके अलावा उसने अपने 12 दोस्तों से अलग अलग बहाने बनाकर किसी से 50,000 से लेकर 6 लाख रुपए तक लोन ले लिया और ऐसे करके उसने 35 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। अब उन 35 लाख रुपए से उसने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की जो कि धीरे धीरे ट्रेडिंग बन गई और इस तरह से सिर्फ 8 हफ्तों में उसने ट्रेडिंग करके वो सारे पैसे डुबा दिए। अब ये क्लियर नहीं है कि वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा था या किसी XYZ ऐप में जिनके एड्स आप देखते रहते हैं, बट जो भी है ऐसे करके उसने अपना सारा पैसा डुबा दिया। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कहानी खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है, कहानी यहाँ पे स्टार्ट हुई है। क्योंकि उसने अपना पैसा डुबाया होता तो चल जाता, बट क्योंकि उसने अपने दोस्तों से पैसा उधार ले रखा था और अब उसे वो पैसा चुकाना था, तो उसने अब क्या किया, उसने पैसे चुकाने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स होते हैं जिनमें लोन मिल जाता है, तो उनसे लोन लेना स्टार्ट कर दिया। एक जगह से लोन लेकर दूसरे पे चुकाता था, फिर किसी दूसरे से और बड़ा लोन लेकर तीसरे पर चुकाता था, बट ऐसा कब तक चलता। तो उसने इन सबको खत्म करने के लिए एक आइडिया सोचा और वो आइडिया था बैंक रॉबरी करना। आपको शायद यकीन नहीं हो रहा होगा बट ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक रियल स्टोरी है और आप बहुत सारी न्यूज़ वेबसाइट में इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब उसने रॉबरी करने का सोच लिया था, तो इस आइडिया को अप्लाई करने के लिए उसने बहुत सारी मूवीज़ और वीडियोज़ देखी और फिर उसी तरीके से रॉबरी करने की सोची। जैसे मूवीज़ में रॉबरी करने के लिए वो रेकी करते हैं यानी सर्वेलेंस करते हैं, वैसे ही उसने बैंक्स की पूरी रेकी की और फिर एक बैंक को सेलेक्ट करके उसने नाइफ पॉइंट पर रॉब कर लिया। ये सब उसने बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन पुलिस ने CCTV से उसकी गाड़ी को ट्रैक कर लिया, लेकिन वो उस गाड़ी में नहीं था, तो उस टाइम केस ठंडा पड़ गया। बट कुछ दिन बाद उस इंजीनियर ने सेम नंबर प्लेट की गाड़ी का यूज़ किया अपने दोस्त को पैसे चुकाने के लिए। पुलिस जब तक वहाँ पहुँची तब तक वो जा चुका था, तो पुलिस ने उसके दोस्त से उसके बाकी दोस्तों का पता किया और फाइनली जब वो अपने तीसरे दोस्त को पैसे देने जा रहा था तब पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अब सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि अरेस्ट होते वक्त उसने भागने की कोशिश भी नहीं की और जब वो पकड़ा गया तो उसने कहा कि आज फाइनली मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई। मतलब सोचो कि वो कितना ज़्यादा परेशान रहा होगा। तो इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको फील हुआ होगा कि ये इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग तो बहुत बुरी चीज़ है और ये आपको बर्बाद कर सकती है। तो दोस्तों जब हम किसी चीज़ की नेगेटिव साइड देखते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत ख़राब दिखती है और जब हम उसकी पॉजिटिव साइड देखते हैं तो वो बहुत अच्छी दिखती है। बट हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छाई और बुराई होती है और स्टॉक मार्केट इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसलिए अगर आप गलत तरीके से इन्वेस्टिंग करोगे तो आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है और अगर सही तरीके से इन्वेस्टिंग करोगे तो आपकी लाइफ सुधर सकती है। और अगर इन दोनों स्टोरी पर ध्यान दिया जाए तो फर्स्ट स्टोरी में जो मेड थी वो ना ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और ना ही ज़्यादा कमाती थी, लेकिन फिर भी उसने इन्वेस्टिंग से एक अच्छा अमाउंट जनरेट कर लिया। जबकि सेकेंड स्टोरी में जो इंजीनियर था वो उस मेड से बहुत ज़्यादा कमाता था और वेल एजुकेटेड भी था, लेकिन फिर भी उसने सारा पैसा डुबा दिया। तो अगर आप स्टॉक मार्केट से अमीर बनना चाहते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना ज़्यादा वेल एजुकेटेड हैं या आप कितना कमाते हैं। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपकी सिचुएशन और आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के हिसाब से आपका तरीका सही है भी या फिर नहीं। तो अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि फिर इन्वेस्टिंग का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों हर किसी के हिसाब से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का अलग अलग तरीका सही होता है, तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग का सही तरीका क्या है अब वो जानते हैं। तो फर्स्ट केस, जहां पर आप जॉब या बिजनेस करते हैं यानी आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है पर टाइम नहीं है, तो इस केस में अगर आपको स्टॉक मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें बल्कि म्यूचुअल फंड्स या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जैसे कि NIFTY BSE में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप किसी SEBI रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इससे आपके रिटर्न्स तो कम होंगे लेकिन एटलीस्ट आप पैसे डुबाएंगे नहीं। और सेम केस में अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है तो फिर आप अपने रिस्क के हिसाब से स्टॉक सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। और अगर आपको स्टॉक सेलेक्ट करना आता है तो फिर आप कैसे हर महीने 4,000 रुपये इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं, ये मैंने इस वीडियो में बताया है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब दोस्तों सेकंड केस है कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो इस केस में मैं आपको कहूंगा कि भाई सबसे पहले सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करो, मतलब कमाना स्टार्ट करो, उसके बाद इन्वेस्ट करने की सोचो। हाँ, आप इसके साथ इन्वेस्टिंग के बारे में सीखते जरूर रहो ताकि जब आपके पास सोर्स ऑफ इनकम हो, पैसा हो, तब आप बेटर तरीके से उसको इन्वेस्ट कर पाओ। बट इस बात का ध्यान रखो कि स्टॉक मार्केट के चक्कर में अपनी पढ़ाई पर अफेक्ट मत होने दो।
अब जो थर्ड केस है ये सबसे ज्यादा कॉमन है और वो है कि आपके पास एक फिक्स्ड सेविंग या फिक्स्ड अमाउंट है जिसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो चाहे 10,000 हो, 1,00,000 हो या 10,00,000 हो, आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट है जिससे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो इस केस में अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है तो आप मिनिमम 10 से लेकर मैक्सिमम 20 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाओ और उसमें उस पैसे को इन्वेस्ट करो। और अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो फिर या तो आप पहले नॉलेज गेन करो उसके बाद इन्वेस्ट करो, या फिर किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से अपना पोर्टफोलियो बनवा सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। फोर्थ केस, आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट है जिससे आप इन्वेस्टिंग नहीं ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इस केस में मैं आपको कहूंगा कि भाई सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखो कि ट्रेडिंग में लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वही पैसे से ट्रेड करो जिसको आप भूल सकते हो, और लोन लेकर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने की मत सोचना क्योंकि इससे आपको डर ज्यादा लगेगा और आपके लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखो कि डायरेक्टली ऑप्शंस ट्रेडिंग में जंप मत करो, पहले इंट्राडे ट्रेडिंग से स्टार्ट करो क्योंकि ऑप्शंस में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, और स्टार्टिंग ही ऑप्शंस से करने का मतलब है कि आपको बैट पकड़ना आता नहीं है और आप सीधा वर्ल्ड कप खेलने चले हो। तो पहले छोटे अमाउंट से ट्रेड करना स्टार्ट करो और उसके बाद धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाओ। ट्रेडिंग के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं जिससे आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप इन तरीकों से ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करेंगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बट ध्यान रहे कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस का है, तो इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग अपने रिस्क पर करें और कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग ना करें क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।